वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश की ओर से क्या जानकारी दी गई, आइए वो आपको सुनाते हैं। किसान और सरकार के बीच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने भी आज कहा है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोम प्रकाश जी, राज्य मंत्री हैं, वाणिज्य राज्य मंत्री। सर, किस तरह से देखते हैं कोर्ट के फैसले को? मान जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होया है जी, और काफी दिनों तो संघर्ष चल रहा है, किसान यूनियन वालों दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे से बहुत सारे लोग, सरकार इस बारे चिंतित भी सी और बड़ी कोशिश की थी कि इन्हों का मसला सॉल्व हो जाए। पांच दौर की गलबात की उन्होंने, बहुत गल नेड़े भी आ गए थी 3 तरीक की मीटिंग से, बहुत नज़दीक इनसे डिस्कस किया और अब जे स्टेलमेट था। मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की है और वो सभी को मान्य होगी। उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई जाए जिसे सभी स्टेक होल्डर उसमें हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हो, किसान यूनियंस के भी हो और स्टेक होल्डर्स भी, स्टेट्स के भी हो, तो कल जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा और उस पर ये इस मसले का हल भी निकलेगा। बिल्कुल, कोर्ट में कल भी सुनवाई इस पर जारी है। दूसरा, ये आपने तो पहली ही मीटिंग में आप लोगों ने कमेटी का प्रपोजल दिया था किसान नेताओं को? हाँ, हमने तो पहले सुप्रीम जब हमारी बातचीत चल रही थी उनको कहा था 5-7 आदमियों की कमेटी बना दो जो सरकार से बात करे और उस पर उन्होंने कहा हम सभी आएंगे, तो हमने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, सभी आ सकते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो अच्छा डिसीजन है और जो भी सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है सभी को मान्य होगा। एक और टिप्पणी की है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जिस तरह से लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। तो देखिए, ये देश की राजधानी को के तरफ ये पहली बार है इतने लोगों ने आकर घेरा है और राष्ट्रीय मुद्दा तो बनता है, सारा देश इसलिए कंसर्न्ड है, इसका हल होना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए और जो भी डिमांड्स है उसकी सरकार की हमेशा कोशिश रही है इनको माना जाए और उनको वापस जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सभी को मान्य होगा और इसका हल निकलेगा। बिल्कुल, कोर्ट का फैसला तो सभी को मान्य होगा, लेकिन जो आपकी, आप तो लगातार बैठकों में रहे किसानों के साथ, आपको लगता है कि जो आप लोगों ने प्रपोजल किसानों को दिया था उससे कुछ और आगे बढ़ा जा सकता है या वो फाइनल नहीं? जो दिया था बहुत कुछ हमने, जो उन्होंने मांगा था वो सारा कुछ माना हमने। अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके मुताबिक चलेगा। जो कमेटी बनाई है, कमेटी को क्या जूरिस्डिक्शन होगी, क्या उसने देखना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला होगा उसमें डायरेक्शन दी होगी, कमेटी क्या करेगी उसके मुताबिक ही फैसला होगा। हाँ, उसके बाद ही सरकार आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोम प्रकाश जी हैं वाणिज्य राज्य मंत्री, जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है तो कोर्ट के मुताबिक ही एक कमेटी बनेगी और सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया दिल्ली। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.